तो मैं बैठा हुआ था भोपाल, उनको फोन आया ग्वालियर गेस्ट हाउस में, दो चार लोग और भी बैठे हुए थे। और उस समय क्या था, शिवराज सिंह चौहान को लेकर एकदम तेजी से अफवाह फैली थी इनको हटाया जा रहा है, आपको याद हो 21 की बात कर रहा हूँ। उस समय तो मैंने सहज भाव से उनसे कहा, मोहन जी एक काम कीजिए, जो मध्य प्रदेश की राजनीति है पूरी तरह से ओबीसी सेंट्रिक है, मतलब बैकवर्ड कास्ट का, पिछड़े वर्गों का बाहुल्य 45% ऊपर, आप भी शुरू कीजिए अपनी यात्रा और जोड़िए लोगों को, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन को जोड़िए, जितनी भी ओबीसी जुड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, तो आज नहीं तो कल आप मुख्यमंत्री के उत्तराधिकारी हो सकते हैं बाय गॉड। और मुझे नहीं मालूम था कि जो कह रहा हूँ वो दो साल में पूरा हो जाए, हो गया, चांस की बात है। मेरा आशय तो ये था कि 5-6 साल में जब सीएम का टर्म खत्म होगा तो, और इतने आसपास दिखते भी नहीं दूसरे उस तरह के लीडर, पढ़े लिखे, तेज तर्रार, पढ़े लिखे, समझदार, रात दिन काम करने वाले, काम करने के प्रति आप सब जानते हैं कि वो बहुत भिड़ के काम करते हैं। देखिए एक तो ये बताना चाहूँगा मैं कि वो प्राइवेट उन्होंने पढ़ाई की थी, एमए की, और वैयक्तिक रूप से की थी, यहीं इसी घर में इसी कमरे में आके वो एमए की पढ़ाई लगातार 2-1 महीने पेपर से पहले करते थे आके अपने मित्रों के साथ, 2-1 मित्र उनके साथ होते थे। सॉरी, उस समय प्राधिकरण के अध्यक्ष थे, काम बहुत होता था, फिर भी वो 9 बजे 10 बजे कभी 11 बजे कभी 8 बजे 2-3 घंटे के लिए आते थे लगातार, वो पढ़ते थे हर परीक्षा से पहले, हर पेपर से पहले। क्यों, मैंने उन्हें जब पीएचडी और एमए की बात की, मैंने कहा बहुत सिंसियरली आपको पढ़ना पड़ेगा, एंड आई विल हेल्प यू, मैं मदद करूँगा आपकी। तो मैंने बिल्कुल उस समय बहुत व्यस्त होने के बाद भी उनको घर पे ही, मतलब जैसे अपन अपने भाई बहनों को पढ़ाते हैं वैसे ही पढ़ाया, और एमए की परीक्षा पास की उन्होंने, और अच्छे पास की, मतलब जब वो परीक्षा देते थे तो लोग दंग रहते थे कितना लिख रहे हैं ये, एक के बाद एक कापियाँ भरना, लिखते चले जाना, गर्दन नहीं उठती थी उनकी, उन तीनों में हाइएस्ट मार्क्स भी वही लाए थे। खैर उसके बाद मूल पर्पज़ उनका एमए करने का था, पीएचडी करना, क्योंकि राजनेताओं को पीएचडी करने की आकांक्षाएँ पैदा हो जाती, लोग बता देते हैं कि आप पीएचडी करेंगे, तो आप देखिए ना, आप डॉक्टर मोहन यादव के रूप में जाने जाते हैं। पीएचडी का निर्णय लिया तो हम लोगों ने तय किया किस विषय पे की जाए, तो हम लोगों में लैब तो होती नहीं है, हम लोग लोगों से सर्वे करते हैं, रिसर्च के बारे में जानकारी लेते हैं किसी एक पर्टिकुलर मुद्दे पर। तो 5 साल की सरकार थी उस समय मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार, 2003 में बनी थी 2008 तक, तो तय ये हुआ कि उस सरकार ने कैसा काम किया है सभी मामलों में, प्रदेश के विकास के मामले में, प्रदेश के निर्माण के मामले में, उससे मीडिया कर्मियों की राय ली जाए, आप ही लोगों की राय ली जाए। तो उन्होंने फिर एक सैंपल बनाया मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों का, और सैंपल बना के एक प्रश्नावली तैयार की गई, हम सब लोगों ने बैठ के उनको उनके जो जिज्ञासा है उसको जोड़ते हुए प्रश्नावली उन्होंने तैयार की, सर्वे किया। आप जानते हैं सर्वे करने के बाद तो कंप्यूटर से एनालिसिस हो जाता, डेवलप हो जाती है, भारतीय जनता पार्टी बारे में लोग जानते ही थे बचपन से, उस विचारधारा से जुड़े हुए हैं वो, तो सर्वे किया, और सर्वे करने के बाद अपनी टेबल वेबल सबमिट करके निष्कर्ष निकाले, और RDC में उसको रजिस्टर्ड करना पड़ता है टॉपिक को, तो भोपाल उनका जो RDC हुई थी उसको, उसमें भी बड़े विद्वान आए थे, एक डॉक्टर BM शर्मा IIPA के प्रोफेसर रह चुके हैं, अशोक गहलोत के गुरु हैं वो, और कुलपति रह चुके हैं, PSC चेयरमैन, बहुत बड़े आदमियों को मैंने बुलाया था उनके, मैं चाहता था कि ठीक से वो काम टॉपिक वॉपिक हो, तो अच्छा बढ़िया इंटरव्यू दिया RDC में उन्होंने, क्यों करना चाहते हो मीडिया के बारे में, क्यों करना चाहते हो, जानना चाहता हूँ कि सरकार का परफॉर्मेंस क्या है, क्या राय है लोगों की, मीडिया की क्या राय है, तो वो उन्होंने टॉपिक फाइनल हुआ उनका, डॉक्टर BM शर्मा के और कुलपति के नेतृत्व में जो भी वाइस चांसलर थे। उसके बाद जब सबमिट हुई PhD, तो फिर वो बड़ा अजीब से इत्तफाक है कि उसमें जो एग्जामिनर थे वो भी बहुत बड़े आदमी हिंदुस्तान के, लोकसभा आयोग के, वो राजस्थान के जोधपुर विश्वविद्यालय के कुलपति थे प्रोफेसर लोकेश शेखावत, बड़े आदमी हैं, उनकी विचारधारा के भी इत्तफाक से हैं वो आए थे वाइवा लेने के लिए, उन्होंने थीसिस जाँची, एक एग्जामिनर थे मुझे याद नहीं उनका नाम क्या था, और उन्होंने PhD की परीक्षा के लिए तिथि की एक औपचारिकता होती है बाद में वाइवा की मौखिक की, उसके लिए वो आए, उन्होंने क्योंकि कुलपति थे व्यस्त होने का टाइम दिया उन्होंने जन्माष्टमी का, तो इत्तफाक ये था कि जन्माष्टमी का दिन था, डिपार्टमेंट खुलवाया गया, उस डिपार्टमेंट में फिर उन्होंने मौखिक की परीक्षा दी, 1-1.5 घंटे सारी फैकल्टी, मैडम वशिष, डॉक्टर निशा वशिष, दीपिका वगैरह सब थे, सारे लोग थे, और उनकी मौखिक की संपन्न हुई, राइट। तो इंटरेस्टिंग है, मोहन शोधार्थी, जन्मदिन कृष्ण का, और गाइड गोपाल कृष्ण, और फिर फलार हुआ इस कान में, इससे बढ़िया इत्तफाक क्या होगा। आज मुख्यमंत्री बने हैं। हाँ, मुख्यमंत्री बने हैं, निश्चित रूप से। कैसा लग रहा आपको? नेचुरली कोई भी फील करेगा, अपने नगर का है पहली बात, फिर नजदीक है, सम्मान करते हैं, प्रेम करते हैं, चिंताएं करते हैं, पर्सनल चिंताएं भी करते हैं वो, जब कोई पर्सनल प्रॉब्लम आई तो यू आर ऑलवेज विद मी, और वो है मतलब एक शिष्य को। सर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि उनको सर पहले से एहसास हो गया था कि वो आने वाले मुख्यमंत्री होंगे? उसका ये कहना चाहूँगा कि मैं अपने मित्रों के साथ ग्वालियर में बैठा हुआ था, और ग्वालियर में मैं एक जिस आंदोलन का मैं अध्यक्ष हूँ मध्य प्रदेश के यूनिवर्सिटी पेंशनर्स का,
वो पेंशन पूरी मिलती नहीं है। मिनिस्टर एजुकेशन के रूप में काफ़ी कुछ ने किया है, अब सीएम है तो बन ही जाएगा, ये मामला हो जाएगा सॉल्व। तो मैं बैठा हुआ था भोपाल, उनका फ़ोन आया ग्वालियर में गेस्ट हाउस में, दो चार लोग और भी बैठे हुए थे। और उस समय क्या था, शिवराज सिंह चौहान को लेकर एकदम तेज़ी से अफवाह फैली थी इनको हटाया जा रहा है, आपको याद हो 21 की बात कर रहा हूँ। उस समय तो मैंने सहज भाव से उनसे कहा, मोहन जी एक काम कीजिए, जो मध्य प्रदेश की राजनीति है पूरी तरह से ओबीसी सेंट्रिक है, अदर बैकवर्ड कास्ट का पिछले वर्गों का बाहुल्य 45% से ऊपर, आप भी शुरू कीजिए अपनी यात्रा और जोड़िए लोगों को, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन को जोड़िए, जितनी भी ओबीसी जुड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, तो आज नहीं तो कल आप मुख्यमंत्री के उत्तराधिकारी हो सकते हैं बाय गॉड। और मुझे नहीं मालूम था कि जो कह रहा हूँ वो दो साल में पूरा हो जाए, हो गया, चांस की बात है। मेरा आशा तो ये था कि 5-6 साल में जब सीएम का टर्म खत्म होगा तो, और इतने आसपास दिखते भी नहीं दूसरे उस तरह के लीडर, पढ़े लिखे, तेज तर्रार, पढ़े लिखे, समझदार, रात दिन काम करने वाले, काम करने के प्रति आप सब जानते हैं कि वो बहुत भिड़ के काम करते हैं, वो जो ठान लेते हैं वो करके रहते हैं। कई बार मैं कहता था उनसे कि देखिए मोहन जी, लोग आपके आपके साथ लोग गड़बड़ कर रहे हैं चुनाव में, ऐसा नहीं हो कि आपके साथ वो हो जाए। बोले नहीं सर, मुझे सब मालूम, कौन क्या कर रहा है, मैं तो मैं निकाल लूँ, आप चिंता मत कीजिए, ये कहा करते थे वो। तो आप लोग भी जानते हैं कि किस तरह से इनके चुनाव को उन्होंने जीता है और निकले अल्टीमेटली, तो कॉन्टिनेंटली काम करते हो, पढ़ते लिखते बहुत हैं, कई किताबें उन्होंने मुझे पढ़ने को दी, मेरी पत्नी को दी, मैं उनको दिया करता था। और ख़ासतौर से द्वापर का साहित्य, कृष्ण का उनके विषय है, जब मैं बता रहा था कल कलावती जो उनकी बहन है कि देखिए ना बहन इस तरह से उनका हुआ, उनके उनके दोनों बेटे भी जन्माष्टमी पैदा हुए हैं अलग अलग दिन, मतलब ये नहीं कि ट्विंस हैं, तो बहन ने मुझे बताया, मैं चौक गया बन गया जो कुछ तो है अलग हट के। एनीवे तो यही सब है बेटे, थैंक यू वेरी मच।